सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। पंजाब में सैलाब से सब कुछ तबाह। राजनपुर के इलाके फाजलपुर में घर से 6 से 10 फीट पानी के अंदर डूबे हुए हैं। पाकिस्तान इज अंडर वाटर, दैट्स अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही मेरे भाई, बेरोजगार बैठे हैं, बच्चों को रिक्शे में लेके बैठे हैं, छतें भी हमारी टपक रही है, कच्चे घर है, हम कहाँ पे जाए मेरे भाई। बच्चों को 2-3 बच्चों को तो काट चुके हैं, जख्म हो गया, बुखार में मुब्तला है, यहाँ कोई मेडिसिन वगैरह का भी यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। सैलाब जदगान और हमारी जिम्मेदारी। पाकिस्तान इन दिनों सैलाब की आफत में घिरा हुआ है। बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, जिले टानक और डेरा इस्माइल खान के दर्जनों देहात पानी में डूब चुके हैं। छतें गिरने, डूबने और दीगर हादसात में मुतअद्दिद अफराद जा बहक, जबकि कई जख्मी हो चुके हैं। सैलाब के बाइस बेघर होने वाले अफराद की तादाद भी हजारों में है। वतन अजीज पाकिस्तान के जिस कोने में जब भी कोई आफत आए, चाहे वो 1992 के सैलाब की शक्ल में हो, 2005 के जलजले की शक्ल में हो, सवात और मालाकंड से 30 लाख लोगों की नकल मकानी, सैकड़ों की तादाद में खुदकश हमले, 2010 का सैलाब या फिर साने मरी, कराची से लेकर कश्मीर तक हर पाकिस्तानी इंसानी हमदर्दी और दर्स इस्लाम पर अमल करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर मुतासरीन की मदद को निकल पड़ते हैं। आजमाइश और आफत की इन घड़ियों में पूरा पाकिस्तान बेचैन रहता है और उन्हीं तन्हा नहीं छोड़ता। 2010 में जो सैलाब की आजमाइश थी, जिसने जिला डेरा इस्माइल खान और मजाफात में हजारों खानदानों को बेघर किया था, मुझे याद है कि बड़े तो बड़े बच्चों ने भी उनकी मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरफ सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ तंजीमों, मसाजिद और मदारिस की तरफ से इमदादी कैंप लगाए गए थे, जो कि बर वक्त सैलाब के मुतासरीन तक खाना, राशन और दीगर जरूरी अशिया पहुँचाते रहे। 13 साल की उम्र में मुझे अच्छी तरह याद है कि वालदा के कहने पर मैं भी कुछ खाने पीने की अशिया एक गठरी में लेकर बरसती बारिश में रोड पर लगे कैंप वालों के सुपुर्द कराई थी। लेकिन अब की बार पूरे पाकिस्तान की आवाम अजीब बेहिसी की चादर ओढ़े सो रही है। पिछले 2 अशरों से सैलाब की आफत से जिला टानक, जिला डेरा इस्माइल खान के दर्जनों देहात और जनूबी पंजाब के 70% गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इंसानियत डूब रही है, खानदानों के खानदान तबाह हो चुके हैं, लोग घरों से बेघर हो गए, कारोबार, माल मवेशी सब कुछ सैलाबी रेलों की नजर हो गया है, स्कूल तबाह हो चुके हैं, राबते पुलों की हालत नाकाबिले बयां है। मुसलसल एक हफ्ते से बारिशें शुरू हैं, लोग रोड़ों पर खवातीन समेत जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, जबकि कुछ लोग अपना कीमती सामान सैलाब के हवाले करके हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ ही लोग बहुत ही मुश्किल जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, क्योंकि किसी के पास छत नहीं, कहीं रोटी नापैद, कहीं बीमारियां फूट रही हैं और कहीं तन के कपड़े का मसला है। इन सब मुश्किलात और आजमाइश के बावजूद इन मुतासरीन से हम आवाम, सियासी नुमाइंदे और मकामी इंतजामिया मुंह मोड़ चुकी है। इस वक्त सारे पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों में घिरे मुतासरीन बिल्कुल तन्हा खड़े हैं। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, जिस पर दिल खून के आंसू रो रहा था। डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा के एक गांव में एक नौजवान सैलाबी रेले की वीडियो बना रहा था कि उसी असना में वही रेला जब उसके घर को बहा रहा था तो वो रोने लग गया और लोगों को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन शायद खून के आंसू ही उसके मुकद्दर में थे। ऐसे दर्जनों वाकयात हमारे सामने गुजर रहे हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं हो रहे।
मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जिले डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा, तहसील दराबन किला और जिले टानक के दर्जनों देहात जेरे आब हो चुके हैं। जिले डेरा इस्माइल खान और तहसील दराबन किला का पुल टूटने की वजह से राबता मुनकता हो चुका है। दानासर के मुकाम पर रोड मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले की नजर हो चुका है, जिसकी वजह से कई मुसाफिर महसूर होकर रह गए हैं, जबकि यहाँ इमदादी सरगर्मियाँ सिफर ही हैं। अवामी हालात इमरजेंसी के हैं, लेकिन यहाँ सरकारी इंतजामात इमरजेंसी वाले बिल्कुल भी नहीं। आजमाइश और मुश्किलात की इन घड़ियों में ये वक्त गफलत की नींद सोने का नहीं, बल्कि उन सैलाब जदगान के साथ खड़े होने का वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए और फिर हम लाशों पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हों। अपनी इस्तात के मुताबिक उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि ये मुश्किल वक्त कल को हम पर भी आ सकता है। इंसानियत का एहसास और दर्द से इस्लाम पर अमल करते हुए आइए इन सैलाब जदगान के बाजू बनिए और उनकी हर मुमकिन इमदाद कीजिए। अगर हम यही रवैया इख्तियार करेंगे तो ये आजमाइशें और मुश्किलात जल्द ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह।